नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो कि फटाफट से बनके तैयार भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा ये। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, संडे स्पेशल रेसिपी है। तो मैं हूँ पूजा सिंह और पूजा शिकोना चाय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी शिमला मिर्च और 1/2 कटोरी प्याज, जिसको कि चकोर में मैंने काट लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक जो है हम बाउल लेंगे, उसके अंदर हम शिमला मिर्च को डाल देंगे, प्याज को भी डाल देंगे और इसमें जो है हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच मैंने डाला है अदरक और लहसुन, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम जीरा पाउडर और 2 पिंच के करीब डाल देंगे गरम मसाला और बहुत सारा जो इसके अंदर हम हरी धनिया पत्ते भी डाल देंगे और इसे जो है हम अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए लग रहा है ना, बढ़िया बिल्कुल कलरफुल सा। ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में इतना मज़ेदार है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं, गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच जो है हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो 2 जो है हरी मिर्च को डाल देंगे छोटे टुकड़ों में काट करके और 2 पिंच जो है इसके अंदर हम हींग भी डाल देंगे। जब ये चटक जाए तब इसके अंदर हमने जो मसाला तैयार करके रखा था उसको जो इसके अंदर हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम लो रखेंगे, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। इसी जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और हमारी सब्ज़ी भी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। और तो इस तरीके से बना के देखिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। आप चाहे तो जब हमने मसाला तैयार किया था, जब हम सारे मसाले डाल रहे थे उस टाइम पे भी इसको डाल सकते थे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी मट्ठा। आप चाहे तो दही को भी पतला करके इसमें डाल सकते हैं। जब भी डालें गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखिए और जब इसमें उबाल आ जाए तब इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से चला लेंगे एक बार फिर से और ढक करके लो फ्लेम पर जो है इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद जो है हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। जो हमारे शिमला मिर्च है, प्याज है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मज़ेदार सब्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। गैस जो है हम ऑफ कर देंगे बिल्कुल। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।